ठीक है। एंड जो अब कहानी मैं तुमसे शेयर करने जा रहा हूँ, एक बार पेन रोक दीजिए, जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज द स्टोरी ऑफ ए रियल स्टूडेंट। उसने 11 12th में कोचिंग ली, ध्यान सुनिएगा प्लीज, क्योंकि उस बच्ची को मैंने 2 साल तक देखा। मेरी बात ध्यान सुनना, 11th और 12th में वो दोनों साल पूरे पूरे साल ऑफलाइन में आई, और जिसको बोलते ना हार्ड वर्किंग, हाँ रेगुलर स्टूडेंट थी हमेशा। कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि वो एबसेंट है, कभी ऐसा नहीं देखा कि वो डाउट रूम में डाउट पूछने नहीं आई, आती रही। बट दिक्कत क्या हो रही थी, वो चीजों को रटने की कोशिश कर रही थी 11th और 12th में। अच्छा ऐसा एक सवाल करवा दिया, अच्छा ऐसा मैं कर सकती हूँ। उसके अलावा जैसे ही सर आपने वैल्यू एन की 5 की जगह 6 की, अब मैं फंस गई। तो उस टाइप की मेंटेलिटी के साथ वो कर रही थी काम 2 सालों तक, ठीक है। और मैं नहीं पढ़ा रहा था उसको, कोई और टीचर पढ़ा रहे थे, क्योंकि वो डाउट पूछने जनरली मेरे पास आ जाती थी, ठीक है। इस वजह से तो मेरा उसका 1-2 बार इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने देखा कि वो जो डाउट पूछ रही है वो बहुत ही बेसिक पूछ रही है। बहुत ही बेसिक मतलब कि जिसने नोट्स नहीं पढ़े हो फिर वो सवाल ऐसे पूछे। तो मैंने उन 2 सालों में भी उसको यही बोला कि बेटा नोट्स पढ़ाई करो, नोट्स को बार बार रिवाइज करो, नोट्स पे ध्यान दो, आप सवालों की तरफ मत भागे, पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये वाली चीज यहां लगती है और ये वाली चीज यहां नहीं लगती है विद लॉजिक, तभी आप आगे सवालों पे जा सकते हो। आपको अभी पता ही नहीं है कि क्या करना है और आप लगे हुए हो तो जवाब गलत ही आएगा, और अगर सही आ रहा है तो आपका तुक्का फिट बैठ रहा है, और तुक्के के बेसिस पर जेईई मेंस और एडवांस क्लियर होता मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, समझ में। तो वो 2 साल तक रही, कोई रिजल्ट नहीं आया, रैंक भी लाखों में आई। अगली साल जब ड्रॉप करने की बारी आई तो फिर से उसके पेरेंट्स आए, बोले कि सर हमने 2 साल यहीं पढ़ाया था इसको, इसका कुछ हुआ नहीं, आप क्या बोलते हो कि इसको प्राइवेट कॉलेज में डाल देना चाहिए या फिर इसको तैयारी करनी चाहिए। तो उसकी 2 साल की परफॉर्मेंस देखकर मेरे दिमाग से या मुंह से जो पहला शब्द निकला, मैंने कहा इसको प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन दिलवा दो, कोई इशू नहीं, बिकॉज जो रिक्वायर्ड है वो मेहनत ये नहीं कर पाएगी या फिर ये उस लाइन पे नहीं सोच रही है, हम इसको समझा रहे हैं बार बार। तो वो वहीं बैठी थी, शायद उसको ये बात बुरी लगी या चुप गई या पता नहीं, तो उसने मुझे बोला और बड़े स्ट्रांग कॉन्फिडेंस में बोला। जब कोई इंसान कॉन्फिडेंस में बोलता है तो उसकी आवाज में एक बोलते हैं ना कड़कपन होता है, बोले सर मैं कर लूंगी। मैंने कहा बेटा सेम फॉर्मूलाज हैं, सेम कॉन्सेप्ट हैं, सेम थ्योरी है, फिर से पढ़ाएंगे, बट पढ़ना आपको है। बोली सर डन। और उसने मेरे से सीरियस होकर पूछा कि व्हाट इज द चेंज दैट यू वांट टू सी इन मी, मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं इस तरीके से पढ़ूं, जैसा आप बोल दोगे वैसा ही करूंगी। मैंने कहा ठीक है, जैसा सबको ज्ञान दिया जाता है वैसा भी उसको दिया, बट मेरे दिमाग में 100% डाउट था। मैंने तो उसके पेरेंट्स को भी बोला मैं मत आप ड्रॉप करवाइए, इसको बढ़िया किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवा दो। पर वो नहीं मानी, उसकी जिद थी कि यहां करना है फ्रॉम डे वन। इस बार मैं पढ़ा रहा था। अच्छा मेरे पढ़ाने से और किसी और के पढ़ाने से कुछ इसका लॉजिक नहीं, सेम सामने वाले की मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस बार वो मेरे ही बैच में थी, तो अब मुझे पता था कि ये डाउट जब पूछेगी तो मैं इसको तुरंत नोट्स पे ले जा सकता हूं। इसने ऐसे पूछा कि सर ये वाला सवाल नहीं सॉल्व हुआ, तो मैं तुरंत बोलूंगा कि तेरे से वो वाला सवाल सॉल्व हुआ था क्लास में, समझ में आया था, बोले हाँ सर, तो ये वही तो सवाल है, बस डाटा ही तो चेंज किया। तो वो थ्रू आउट द सेशन हार्ड वर्किंग रही, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग और सिंसियर पहले भी थी, ठीक है। क्लास ना मिस करना, रेगुलरली आना, नोट्स बनाना, ये सब आदतें उसमें पहले भी थी। अब सिर्फ उसने एक छोटा सा चेंज किया, दैट इज कि अपनी नोट्स में लिखी हुई बातों को सीरियसली समझकर फिर सवालों पे जाना, दिमाग बंद करके सवालों पे जाना नहीं। अच्छा हाँ सर पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, चलो सवाल करते हैं, नहीं जी, इससे तो आप डीमोटिवेट होंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे ना। और जब मैंने बोला कि बेटा अब आप ध्यान रखना पूरे साल में आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि नोट्स का जो भी मैं बात पूछूं हटाओ सवालों को, बोर्ड्स मतलब ये मॉड्यूल वॉड्यूल के सवाल बाद में पूछूंगा, मैं जब ये पूछ लूं कि बेटा वहां पर वो सवाल करवाया था उसका लॉजिक क्या है वो क्लियर होना चाहिए, बोले सर डन आप पूछ लीजिए। और शुरू के 10-15 दिन में उसकी 2-3 बार मुझसे मुलाकात हुई इसी सेशन को लेकर, और उसे 2-3 बार पूछा मैंने, 1-2 बार अटकी भी, और उसको समझ में आ गया कि ये मास्टर तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं नोट्स ढंग से ना पढ़ूं, समझ में। खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की, लॉजिकली जब आपको एक बार लगने लगता है, आप एक बार वो चीज पकड़ लेते हो कि अच्छा इस पे ये नहीं करना था, ये करना था, इसका कारण ये है, तो आपको मजा आने लगता है, समझ में। आपको फिर मजा आने लगता है, हाँ यार इस बार मैंने सोच लिया अगली बार और सोच लूंगा, एक सवाल में फिर 2 सवाल में फिर 10 सवाल में फिर हर एक सवाल में आप ऐसा ही करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं, और कॉन्सेप्चुअली जब कोई इंसान स्ट्रांग होता है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने मेंस का सवाल है कि एडवांस का सवाल है, समझ में। और फाइनली बहुत तगड़ा फोड़ा, और आई वॉज एक्सपेक्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको सरप्राइज, मैं कह रहे यार गजब,
आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट भी था कि इस बार ये फोड़ देगी और जबरदस्त फोड़ा। करीबन करीबन शायद 3000 के अंदर रैंक आई थी जेई मेंस में। अभी MNIT में पढ़ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के साथ, मालवीय नगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर।